सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों ने केरला के एक प्राचीन हिंदू मंदिर को कब्जे में लेकर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। दावे में ये भी आरोप लगाया गया है कि हिंदू समुदाय ने इसे लेकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी केरल की वाम कम्युनिस्ट सरकार ने कोई भी कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया है। इसी दावे के साथ ये वीडियो ट्विटर पर वायरल है, इसे फेसबुक पर भी काफी शेयर किया गया है। ऑल न्यूज को सर्च करने पर ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें केरल में हिंदू मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा करने का दावा किया गया हो। इस आधार पर ऑल्ट न्यूज ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को गौर से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इसे डॉक्यूमेंट्री के जैसे एडिट किया गया है। वीडियो में कुछ सेकंड के बाद वाटरमार्क दिखता है, पहले इसमें TSOI लिखा है जो बाद में बदलकर 1000 Shades of India हो जाता है। आगे सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को ये वीडियो 1000 Shades of India नाम के इंस्टाग्राम पेज पर मिला। इस पेज ने 20 दिसंबर 2021 को ये वीडियो अपलोड किया था। साथ में ये भी बताया गया था कि ये वीडियो मैंगलोर के जीनत बख्श मस्जिद का है। ये भारत के सबसे पुराने मुस्लिम समुदायों में से एक है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके बायो में बताया गया है कि ये पेज देश की अलग अलग विरासत को दिखाता है। कर्नाटक पर्यटन विभाग के एक ब्लॉग के मुताबिक मस्जिद जीनत बख्श असल में मैंगलोर के बुंदर इलाके में है। ये मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में है। माना जाता है कि इसे 644 ईस्वी के दौरान अरब मुस्लिम व्यापारियों ने बनाया था, लेकिन ब्लॉग में इस मस्जिद के पहले हिंदू मंदिर होने की कोई बात नहीं बताई गई है। कर्नाटक पर्यटन विभाग की वेबसाइट सहित कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान ने मस्जिद का नवीनीकरण करवाया था और इसका नाम भी बदला था। कुल मिलाकर मैंगलोर की एक मस्जिद का वीडियो गलत सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया और साथ में ये झूठा दावा किया गया कि केरल में मुस्लिमों ने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया, जबकि ये सच नहीं है।